हेलो फ्रेंड्स, प्रभा की फुलवारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस पौधे की बात करेंगे उसका नाम है कैला लिली। ये जाड़े का पौधा है। जाड़े में बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं इसके। ये एक बल्ब से लगने वाला पौधा है। इसके बल्ब आते हैं और बल्ब से ही हम इस पौधे को लगाते हैं। बहुत खूबसूरत खूबसूरत रंगों में ये पौधा पाया जाता है और बहुत लंबे समय तक इसके फूल चलते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस कैला लिली के बल्ब को हम कैसे लगाएंगे, किस तरह की मिट्टी बनाएंगे इसके लिए, जिसमें ये पौधा बहुत अच्छी तरह ग्रो करे। दोस्तों, ये कैला लिली के बल्ब हैं। अभी आपने फ्लावर देखा, इसके फूल किस तरह से आते हैं, और ये कैला लिली के बल्ब हैं जिनमें ये फुटाव होने लगा है। कैला लिली का बल्ब सितंबर और अक्टूबर के महीने में हम लगाते हैं, और देखिए ये फुटाव होने लगा पौधे में, बल्ब में। इसका मतलब है कि अब ये बल्ब लगाने के लिए तैयार है। तीन बल्ब हैं मेरे पास इस तरह से, और तीनों में ये देखिए फुटाव होने लगा है इस तरह से। और दोस्तों, इसको इस बल्ब को हमने इस साफ का, ये साफ फंगिसाइड है, और इसी के पानी में, ये पानी में डालकर हम इसको आधे घंटे तक छोड़ दिए थे इसके बल्ब को, कि किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो, तो ये पूरी तरह सेफ हो जाए, बाद में किसी तरह की परेशानी ना हो और ये बल्ब हमारा बहुत अच्छे से ग्रो कर जाए। दोस्तों, जब भी हम किसी पौधे का ऐसे बल्ब लगाते हैं तो उसमें तीन बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो पहला है, ऐसी मिट्टी बनाएं जो बहुत पोरस हो, जिसमें पानी डालें और पानी ड्रेन हो जाए, पानी रुकना नहीं चाहिए, बहुत पोरस मिट्टी बनाएं। दूसरा, हल्की मिट्टी बनाएं, भारी ना हो, हल्की हो मिट्टी, तभी बल्ब में जो भी रूट आएंगे छोटे छोटे वो आसानी से आपकी मिट्टी में फैल सकें। तो जब मिट्टी हल्की रहेगी तो जड़ें आसानी से उस मिट्टी में फैल सकती हैं। और तीसरा बात जो ध्यान रखने का है वो है कि हमारे बल्ब को पोषण मिले, इतना पोषण मिले कि वो बहुत अच्छी तरह चल सके, उसके जड़ और तने अच्छे से डेवलप हो सके। तो इसके लिए हम, ये देखिए मिट्टी में, ये दोस्तों राइस हस्क है, मिट्टी को बहुत पोरस बनाता है, इसके लिए ये राइस हस्क मैंने लिया है। ये कोकोपीट है, ये बालू है, और ये वर्मी कंपोस्ट है। ये हमारी मिट्टी है। तो इस डब्बे से कोई भी, आप इन सब को मापने के लिए किसी तरह का डब्बा आप ले लें, तो इस डब्बे से हमने एक डब्बा राइस हस्क लिया है, एक डब्बा कोकोपीट और बालू, तीनों की मात्रा बराबर है। और ये वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा मैंने कम लिया है, क्योंकि बल्ब को अभी हल्का पोषण चाहिए, बहुत ज़्यादा पोषण नहीं चाहिए। फिर धीरे धीरे जब प्लांट का ग्रोथ होना शुरू होगा तो बीच बीच में हम इसमें और कंपोस्ट मिलाएंगे। और ये एक एक डब्बा लिया है, और इसमें दो डब्बा हम ये मिट्टी मिलाएंगे,
और दोस्तों देखिए ये नीम खल्ली है, नीम खल्ली आप इसमें दो मुट्ठी, ये दो गमले के लिए हम तैयार कर रहे हैं, तो इसमें दो मुट्ठी नीम खल्ली आप ज़रूर मिला लें। नीम खल्ली बहुत ज़रूरी है, किसी तरह का पेस्ट अटैक नहीं हो, फंगल इन्फेक्शन नहीं हो। वैसे मैंने फंगिसाइड में डुबा के भी रखा है, फंगिसाइड लगा भी दिया है इस पर, लेकिन तभी भी नीम खल्ली बहुत ज़रूरी है, ये आप ज़रूर मिलाएं। और इसमें अब हम मिट्टी मिला देंगे, और ये सारा मिक्सचर मिलाकर मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरह से ये हमारी मिट्टी बनकर तैयार हुई, जो बहुत हल्की और पोरस है, और इसको मैंने गमले में डाल लिया। ये 7 इंच का मेरा मिट्टी का पॉट है इस तरह से, और इसमें मैं इसे लगाऊंगी। दोस्तों जब भी आप बल्ब वाले पौधे लगाएं तो कोशिश करें कि इसको मिट्टी का गमला दें, क्योंकि प्लास्टिक के गमले में पानी जल्दी सूखता नहीं है। मिट्टी का गमला पानी ज़्यादा होने पर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए कोशिश करें कि मिट्टी का गमला ही हो। और इस तरह से दोस्तों इतनी मिट्टी हमने डाल ली है, और देखिए इस तरह से इसके बल्ब को बैठा देंगे, और बैठाने के बाद ऊपर से भी थोड़ी मिट्टी डाल देंगे। और देखिए ये जो तना निकल रहा है, जो इसके छोटे छोटे पफ निकल रहे हैं, इनको हम खुला छोड़ देंगे, ढकेंगे नहीं। इस तरह से साइड साइड से थोड़ी मिट्टी डालेंगे, और ये चीज़ देखिए मैंने खुला छोड़ दिया, और इसी तरह से ये दूसरा बल्ब भी हम बैठा देंगे। और बल्ब को कभी भी पूरी तरह नहीं ढकना चाहिए, इस तरह से हो गया। और दोस्तों इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा पानी, ऐसे देखिए ये फंगिसाइड मिला हुआ पानी है, वही पानी मैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बल्ब को अभी बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, तो बस थोड़ा थोड़ा मैं साइड साइड से दे दूंगी, बस। तो दोस्तों इस तरह से हमने कैला लिली के बल्ब को लगाया, और 15 से 20 दिन होते होते इसका ग्रोथ, रूट और शूट निकलना शुरू हो जाना चाहिए। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं एक नए पौधे के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।